सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन न्यू वीडियो। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉर लास्ट 15 डेज। तो अपकमिंग 15 डेज के लिए आपको क्या करना चाहिए, मैं इस बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो देखते हैं क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि आपका एग्जामिनेशन डेट कभी भी घोषित हो सकता है, एग्जाम डेट। कारण कि अभी तो जैसा कि आपको पता है कि एग्जामिनेशन फॉर्म भी यानी कि अप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं आया है। तो अब क्या करना चाहिए, तो ये देखिए, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, एग्ज़ाम डेट, ये कब रिलीज़ होगा। अप्लीकेशन फॉर्म आएगा, आपको टाइम मिलेगा, आप अप्लाई करोगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन एग्ज़ाम डेट अनाउंस हुआ अभी नहीं है, पर फिर भी हम लोग क्या करेंगे, 15 डेज का स्ट्रेटजी प्लानर बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे, ताकि मतलब अपने एग्जाम्स में अच्छा कर पाएँ। तो प्रॉपरली हम लोग इसको देखते हैं आगे। देखिए, पहले अगर डे वन की बात करें, तो अगर हम लोग इसे 15 अगस्त को तो छोड़ ही दीजिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 14 अगस्त से इसको स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए 14th अगस्त, उस दिन गैप मार लेते हैं, चलो कि आपको मतलब ठीक है। तो अगर एक दिन का अगर हम लोग गैप छोड़ते हैं तो 14 अगस्त, लेकिन वैसे छोड़ना नहीं चाहिए, पर फिर भी उस दिन आपके लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, यानी कि 14th और 15th, जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लीजिएगा। तो 2 दिन आपको टाइम मिल जाएगा, यानी कि 2 डेज़ का, 2 डेज़। तो डे वन में आप उसको क्या कर सकते हैं, दो मतलब एक दिन का जो स्ट्रेटेजी रहेगा उसमें 2 दिन का टाइम मिल जाएगा, तो आप उसमें एक्स्ट्रा कर सकते हो। तो डे वन में यानी कि 14th अगस्त को क्या करना है, या फिर मान लो यहाँ 15th से 16th को क्या करना है, 17th, 18th, 19th, 20, 21, 22, 22nd, ठीक है। तो ये देखना आपको, तो 15th और 14th को हम लोग क्या करेंगे, वन शॉट लेक्चर करेंगे, जो कि मतलब कि हर एक से होगा वन शॉट लेक्चर, फिजिक्स से भी, केमिस्ट्री से भी एंड बायोलॉजी से। इसमें बेसिक चैप्टर उठाइए, बेसिक चैप्टर लाइक कि इसमें अगर बायोलॉजी में देखें तो सेल उठा लीजिए, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ। केमिस्ट्री में आप ठीक है, केमिस्ट्री में आप क्या कर लो, केमिकल बॉन्डिंग कर लो, केमिकल बॉन्डिंग। एंड फिजिक्स में आप क्या कर लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लो, सपोज करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ 11th का चैप्टर है, और केमिकल बॉन्डिंग 11th का है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका फिजिक्स का 12th का चैप्टर है। मैं इसलिए इसको बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा ईजी भी है, और इससे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे अच्छे आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाते हैं। तो इसको कर लीजिए, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, 2 सेक्शन बना सकते हो बायोलॉजी में, बायोलॉजी के लिए क्या मतलब कि बोटनी में कौन सा चैप्टर करना है, बोटनी और जियोलॉजी, तो दोनों का प्रोपोर्शन सेम ही होता है लगभग। लेकिन पर फिर भी एक आप क्राइटेरिया सेट करो कि इतना चैप्टर आपको इतना दिन में करना है, इतना चैप्टर इतना दिन में करना है। पर फिर भी इतना मान के चलिए, अगर ज़्यादा कर पा रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पर डे एक चैप्टर करेंगे, अगर इसमें एडिशन करें तो पर डे 2 चैप्टर में थोड़ा सा वाला प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। और उसके साथ में क्या करना है, लास्ट 5 ईयर का आप क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस PYQ, और हो सके तो आप नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, नीट का। और अगर आपके पास नीट का क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड करके आप उसे कर सकते हो। तो नीट का क्वेश्चन करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन आता है, और लास्ट 5 ईयर का अपने इस झारखंड पैरामेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, झारखंड BSC के लिए उसका प्रैक्टिस करना है। वैसे ही सेम हम लोग को क्या करना है, दोहराना है डे 2 को डे 3 को एंड डे 4 को, ऐसे करते करते आपको यहाँ तक, आपको डे 15 तक जाना है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आप अगर पर डे एक एक चैप्टर करते हैं तीनों का, तो अगर एक दिन में 3 चैप्टर कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 45 चैप्टर आप कर लोगे, 45 चैप्टर। तो 45 चैप्टर कर लोगे और टोटल चैप्टर 45 चैप्टर आपका हो जाएगा। और उसके साथ में हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा था, ऐसा थोड़ी है कि एक ही क्वेश्चंस को मतलब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, उसके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं लेवल 1 लेवल 2 करके, और या फिर आप NCERT फिगर टिक कर सकते हो, या फिर अपना जो नोट्स है उसको रिविजन कर सकते हो, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। सो और भी इसी तरह के स्ट्रेटेजी वीडियो के साथ में मिलते हैं हम लोग, और मुझे लगेगा जो चीज़ आपको शेयर करना चाहिए वो मैं शेयर करूंगा इस चैनल पे, और लगातार इस चैनल पे 1 शॉट वीडियो आ रहा है, और जो क्या बोलते हैं अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला वीडियो आ रहा है, तो उसको आप लोग रेगुलर वॉच करिए, और 2x पे बात करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए उसको, ताकि आपको समझ में आ सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।